नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति कथूरी और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस के बाहर से। और एक काफी दुखद हादसा जो हुआ है, एक 25 से 26 साल का व्यक्ति अजीत, उसका नाम बताया जा रहा है, जो कि पिपली का रहने वाला था लेकिन करनाल के यहाँ पर टोल टैक्स पर काम करता था और डेली अप डाउन करता था। लेकिन तकरीबन 4 से 5 दिन पहले ऐसा होता है, रात को 8 बजे जब वो बस पर बैठता है अपने घर पर नहीं पहुंचता है, उसका फोन जो है स्विच ऑफ हो जाता है, जब घर वाले फोन करते हैं वो फोन नहीं उठाता है। और 4 से 5 दिन के बाद आज उसकी मृत्यु की खबर मिलती है, उसकी डेड बॉडी यहाँ पर मिलती है। और परिवार वालों का कहना है कि जो बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन परिवार का कहना है कि कुछ चाकू के निशान लग रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि हत्या की गई है। तो उनके मौसा जी हमारे साथ मौजूद है अजीत के, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। सर क्या कहिए, क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे डेथ हुई आपके? देखो जी, क्लियर तो पुलिस वाले, ये तो पता नहीं, क्लियर तो वही जाने के पुलिस कार्रवाई कर रही है जी। उसके बाद पुलिस ही बताएगी ना हमारा एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट हमारे का तो ये पता लग गया, यहाँ फोटो डाल लिया जी उस पर व्हाट्सएप पे, अब डेड बॉडी यहाँ रखी जी। अच्छा, तो इस कर काम नहीं आगे पता लग गया। कितने दिनों बाद फोटो डाली इन लोगों ने, आपको पता चला? हुआ हमारे से अभी पता लग गया, आधे घंटा पहले पता लग गया। दर्ज करा दी थी जी जी, जा करा। आपको किसका फोन आया था, पुलिस से ही फोन आया था? नहीं नहीं जी, या हम तो ढूंढते फिर रहे थे, नहीं मेरे साले का लड़का यहाँ हॉस्पिटल में रहा जी, उनने सुबह फोन करया और हमने फोन करया डेड बॉडी देखी, ने जिस टाइम वहाँ वो हमारे पास फोन करया ना, तो जब पता लग गया कि ये डेड बॉडी लड़के का क्या नाम है जिसकी मौत हुई है? अजीत जी। उम्र कितनी है? 26 साल। शादीशुदा? जी जी। बड़े बच्चे हैं? हाँ, एक लड़का एक लड़की है। तो क्या यहाँ पे काम करता था? टूल टैक्स पे जी। अच्छा, ये बस तो डेली अप डाउन करता था? जी जी। कितने बजे घर वापस नहीं पहुंचा? उस दिन 20 मिनट के बाद इनका स्विच ऑफ हो गया जी, 8:20 से तो वहाँ चला जी, 8:40 पे स्विच ऑफ हो गया इनका जी। तो आपको क्या एक्सीडेंट बताया जा रहा है? हाँ, एक्सीडेंट। और आपको क्या लग रहा है? हमारे को तो ऐसा है जी, ओ मर रखे है। क्या कुछ निशान है? निशान है, सारे निशान है। किस तरह के निशान है? निशान ऐसे है, सारा टूट गया जी, सारा फूट गया। पहले कभी किसी से बात हुई, कोई रंजिश थी किसी से, कोई झगड़ा हुआ? ये तो ऊपर वाले बताएं। आपने दरखास्त पुलिस में कब दी थी, कितने घंटे? कल दे दी, नहीं जब परसों दे दी। सेक्टर 4 में कंप्लेंट की। आप इधर आइए भैया। ये डेड बॉडी कहां मिली है? कहां से मिली डेड बॉडी? ये मिली हमारे को। सर कहां से मिली डेड बॉडी? आपको कैसे पता चला भैया ये सारा कुछ? मैडम हम लोग तो यहां पे इसको कल फाइंड आउट कर रहे थे, हर जगह पे सारा फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू भी हमने जितने हमारे लिंक थे सब में भेज रखा था, लेकिन हमें कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हमारे रिलेटिव हर जगह को इसको छानबीन कर रहे थे कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए हमें कि कहाँ पे एक्चुअल में। सो बात है, हो सकता है कि ज्यादा पी हुई है कहीं पर। हम 2 दिन तक तो हमें ये लगा कि किसी यार दोस्त के साथ में पी के कहीं बैठ गया, नॉर्मल था हमारी, कोई आदत नहीं थी मैडम। हो सकता है होली का त्यौहार सोचता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रात को जब हम लोग भाई ने, मेरे भाई ने इसको बिठाया नमस्ते चौक से, तो उस टाइम 8:20 के आसपास में पंजाब रोड में बिठाया, तो 8:40 के आसपास में नीलोखेड़ी के आसपास के लास्ट पुलिस वालों ने बताया, ट्रेस किया कि इसके लास्ट लोकेशन नीलोखेड़ी की आई है। उसके बाद में हमें नहीं पता कि कहाँ इसका फोन स्विच हो पा रहा था। आज कंटिन्यू उनका दोस्त कोई जानकार, कोई जानकार नहीं है। और डेली कुरुक्षेत्र पुलिस आना था पुपल पुल के ऊपर। कितने दिन पहले से घर से गए हुए हैं ये? मैडम उसी दिन निकला, शनिवार को सुबह ही आया, शनिवार की रात का डेट पड़ा है। हाँ, तो आप कहा जा रहे हैं कि चोट के निशान हैं? तो मैडम चोट का ये जो टांग है ये बिल्कुल खत्म हो गई, यहाँ पे पूरा मांस अभी नहीं है इस पे, दोनों पैर पे। हत्या का आप बता रहे हैं? हत्या का बिल्कुल हो सकता है मैडम, कैसे रंजिशन हुई हत्या इसमें, ये हमें इस अभी तक पहले ये नहीं पता ना। अगर एक्सीडेंट चोट नहीं है मैडम, पूरे शरीर पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अभी डेड बॉडी अंदर ही है। शरीर पर किसी के औजार के भी निशान है? औजार के निशान मैडम है, जैसे शरीर की राड टाइप के निशान सर हर जगह नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बाद में किसी पर नहीं, हमें अभी तक कोई वो तो मैडम फाइंड आउट, पुलिस फाइंड आउट करेगी किसको, अभी तक हमें हमारे पास में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको एक्सीडेंट नहीं लग रहा? एक्सीडेंट तो बिल्कुल ही नहीं है। डेड बॉडी वही मिली है नीलोखेड़ी के पास में। पुलिस हमें तो आज यहाँ फाइंड आउट किया कि हम ढूंढते ढूंढते यहाँ आज आपने पहचान की है, क्योंकि आपने 25 से 26 साल का व्यक्ति बताया जा रहा है, जो कि पिपली का रहने वाला था और करनाल के टोल टैक्स पर काम किया करता था। तकरीबन 4 से 5 दिन पहले जब वो घर जाने के लिए निकलता है, उसे बस पर बिठाया जाता है नमस्ते चौक से, लेकिन वो घर जो है नहीं पहुंच पाता है और उसका फोन जो है स्विच ऑफ हो जाता है। और उसके बाद जो फैमिली वाले हैं वो पुलिस में कंप्लेंट करवाते हैं मिसिंग की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है। लेकिन आज जाकर उन्हें पता चला कि नीलोखेड़ी में उसकी डेड बॉडी मिलती है। और ये बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि एक्सीडेंट केस है, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनका इस तरह से कहना है कि उसके शरीर पर चोट
चोटों के निशान लग रहे हैं, किसी तेज धार हथियार के जो निशान लग रहे हैं। हालांकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार वालों की तरफ से कि ये हत्या हो सकती है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा क्या कुछ पूरा कारण रहा इस मौत का। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंचे थे, हम पुलिस से भी प्रयास करेंगे जानने का उनका क्या कुछ कहना है, पूरा मामला क्या है, क्या कुछ इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अभी आपने देखी कुछ लाइव तस्वीरें कल्पना चावला हॉस्पिटल के मॉर्चरी हाउस से, जहां पे एक लड़के अजीत की लाश मिलती है। लिंदोखेड़ी के पास इस लड़के की लाश मिलती है। बोला जा रहा है कि वो लड़का पिपली से है और अपने यहां पे करनाल आता है टोल टैक्स, बस्ताड़ा वाले टोल टैक्स के पास काम करने के लिए, फास्ट टैग बनाने का वो काम करता है। और उस लड़के की लाश मिलती है और घर वालों का आरोप है क्योंकि उस लड़के का मर्डर हुआ है, क्योंकि उसके शरीर पर चाकू के निशान है, मारपीट के निशान है और उसकी टांगों पर बहुत ज़्यादा घाव है। कहा जा रहा है कि वो लड़का घर से निकला था होली के आसपास और वहाँ पे मिला है, उसकी लाश मिली है। कहा जा रहा है कि उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें बस पे चढ़ाया और वहां से वो घर नहीं पहुंच पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नमस्कार, इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस की, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि दो दिन पहले करनाल के नेशनल हाईवे पर तरावड़ी के पास एक नौजवान युवक का शव बरामद होता है। देखने से ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि कोई वाहन जो है उसको टक्कर मारकर भाग गया, लेकिन उसके शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में रखवा दिया था और उसकी पहचान कर ली गई है। कालरम गांव का वो रहने वाला युवक बताया जा रहा है। तरावड़ी थाना की जो पुलिस है वो इस समय मौके पर पहुंची हुई है, जांच अधिकारी सुखविंदर जी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब ये बॉडी मिली थी और कहां पर मिली थी और क्या कुछ पहचान इसकी हो पाई है, क्या बताएंगे सर इस बारे में? ऐसे है, 20 तारीख की बात है सर, सुबह 4:30-4 बजे और 112 से कॉल आती है कि एक डेड बॉडी मिलती है। वहां मौके पर गया कि वहां मृतक अवस्था में पहले ही आदमी नौजवान पड़ा मिला था, जिसका तरौड़ी हॉस्पिटल में जाके चेक कराया, जिसको मृत घोषित किया डॉक्टर साहब ने और मोर्ची रखवाया गया था। आज इसकी शनाख्त हो गई है, अजीत लड़का है, कैलरम का शनाख्त हो गया। कितनी उम्र की है सर? ये 25-26 साल। तो पता चला सर मौत कैसे हुई, कोई एक्सीडेंट है या कोई और वजह है? एक्सीडेंट है जी। तो कोई कौन व्हीकल मार गया नहीं पता चला? अभी नहीं सर, कुछ नहीं है। तो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? हां जी सर, हां जी। और नाम क्या है सर इसका? अजीत जी, कालरम गांव। कालरम गांव का। तो क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? 134 CRP कार्रवाई, आगे जो कार्रवाई होगी की जाएगी। बिल्कुल, इस समय आप देख सकते हैं पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि दो दिन पहले जो है एक नौजवान युवक का शव बरामद होता है, कालरम गांव का रहने वाला है, उसकी पहचान कर ली गई है। इस समय आप देख सकते हैं तरावड़ी थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है। ये लाइव तस्वीर है इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस से आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि दो दिन पहले एक नौजवान युवक का जो शव है करनाल के तरावड़ी के पास नेशनल हाईवे पर जो है मिलता है, कोई अज्ञात व्हीकल जो है उसको टक्कर मारकर चला जाता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में रखवा दिया था, जहां पर इसकी पहचान कर ली गई है। अब आगे क्या कुछ मामला निकलकर सामने आता है यह देखने वाली बात होगी। हालांकि इतना जरूर है कि कोई अज्ञात व्हीकल जो है टक्कर मारकर फरार हो जाता है और इसकी पहचान कालरम के रहने वाले 25-26 साल के नौजवान युवक अजीत के रूप में हुई है। और इसमें तमाम उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनके जानकार हैं, वो भी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस जो है समय मौका निरीक्षण करने जाती हुई नजर आ रही है, परिवार के लोगों के साथ मौका वारदात पर जो है जाया जा रहा है, जहां पर कोई अज्ञात व्हीकल जो है इस अजीत नाम के लड़के को टक्कर मारकर जो है फरार हो गया था। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस दोबारा से उसी लोकेशन पर जा रही है ताकि देखा जा सके कि कहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरों में कोई फुटेज तो नहीं आई है, किसी कैमरे में कोई गाड़ी का नंबर जो है कैश तो नहीं हुआ। तो हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दो दिन पहले का यह मामला है, दो दिन पहले पुलिस को जो है करनाल के नेशनल हाईवे पर तरावड़ी के पास एक व्यक्ति का, अज्ञात व्यक्ति का, नौजवान युवक का शव बरामद हुआ था। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के कल्पना चावला में रखवा दिया गया था और आज उसकी पहचान कर ली गई है। कालरम गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, अजीत उसका नाम है और उम्र अंदाजन 25-26 साल बताई जा रही है। कौन व्हीकल उसको टक्कर मार गया इस बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।